वैसे भाई लोग पोको X6 प्रो वर्सेस नियो 7 के बीच पर आज अपन BGMI गेम प्ले कंपैरिजन करेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले आईकू नियो 7 के ग्राफिक्स दिखा देता हूँ, स्मूथ पर 90fps से लेकर अल्ट्रा HDR तक। वैसे ये दोनों ही डिवाइस सेम टू सेम ग्राफिक्स को सपोर्ट करते हैं और सेम टू सेम प्राइस रेंज पर भी आते हैं, तो अपन पहले देखते हैं नियो 7 का गेम प्ले। तो नियो 7 को लेकर मैं सीधे आ गया शैडो फोर्स मींस तलवारबाजी वाली इवेंट पर। और यहां पर आते बराबर डबल बंदे नजर आए, ये दोनों बंदे पेटी में तब्दील। ये रहा तीसरा बंदा, ये भी नॉक फिनिश। वैसे भी लोग डिवाइस पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 का 5G चिपसेट मिलता है। और यहाँ पर एक भाई नॉक, ये बंदा पैनिक, ये पैनिक बंदा नॉक फिनिश। वैसे हाँ डिवाइस का अंतुतु स्कोर समथिंग 8 लाख के आसपास आता है। यहाँ से ऊपर आया नीले वाले घर पर, ये देखिए नीचे एक बंदा बमबाजी कर रहा था। वैसे नहीं, ये बंदा चिमनी फेंक रहा था, लेकिन भाई साहब मेरी बमबाजी से ये बंदा नॉक। इस बंदे को फोड़ने के बाद एक और बार बमबाजी, गजब सीन। हमारे भाई को किसी बंदे ने पीपी चिपका दिया यहाँ पर। यहाँ से एक और बार, नहीं इस बार चिमनी फेंका। चिमनी फेंकने के बाद मैं आगे आया मेरे ख्याल से यहाँ पर, जी हाँ एक बंदा चिमनी से नॉक। और ये दूसरा बंदा तलवारबाजी से नॉक फिनिश। तो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मैं आगे आया। वैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डिवाइस पर मैं, ये रहा एक बंदा फिनिश। जी हाँ डिवाइस पर मैं सिस्टम के स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ ये वाले गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग के बावजूद डिवाइस पर रेंडर वगैरह की समस्या ही नहीं। वैसे हाँ डिवाइस पर ऊपर FPS मीटर चालू है, यहाँ पर डिवाइस हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप कर रहा है भाई साहब। तो मैं आगे आया हवा हवाई का यूज करके, क्योंकि भाई साहब मुझको पीछे एक बंदा नजर आया था, ये ऑफलाइन था साइड, ये नॉक फिनिश। इस बंदे की पेटी बनाने के बाद यहाँ से ऊपर यहाँ पर जाता हूँ, इस कोंटे पर एक बंदा DVS लेकर कैंपिंग कर रहा था, ये नॉक फिनिश। सो नियो 7 पर आपको LPDDR 5 RAM उसके साथ स्टोरेज 3.1 का सपोर्ट मिल जाता है, जिसके चलते डिवाइस अच्छी खासी, बिल्कुल अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। वैसे हाँ मैंने गेम स्पेस का मॉन्स्टर मोड चालू करके रखा हूँ यहाँ पर। यहाँ से आगे हील अप करने के बाद मैं आपको बता दूँ नियो 7 इस टाइम पर BGMI के अंदर हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप कर रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग के बावजूद डिवाइस पर रेंडर वगैरह की समस्या नहीं जा रही। और इस डिवाइस का प्राइस आपको अंडर 25 के रुपीस मिल जाता है। यहाँ से आगे पोको X6 प्रो, ये डिवाइस स्मूथ पर 90fps से लेकर HDR में 60fps और आगे अल्ट्रा HDR सपोर्ट करता है। तो इस गेम प्ले पर डिवाइस के ग्राफिक्स स्मूथ पर 90fps, उसके नीचे कलरफुल, उसके नीचे 4x रहेंगे। यहाँ से आगे चलते अपन। सो पोको X6 प्रो को लेकर मैं सीधे आ गया शैडो फोर्स मींस तलवारबाजी गजब की। और इस हॉट ड्रॉप पर आते बराबर किसी बंदे ने भाई साहब पीछे से टॉमी चिपका दिया था, ये रहा विक्टर, ये विक्टर नॉक फिनिश। इस विक्टर की पेटी बनाने के बाद एक और बंदा आ रहा है भाई साहब, जी हाँ कहीं से एक और बंदा आया। ये नॉक फिनिश। इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मैं आपको बता दूं डिवाइस पर आपको डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा का 5G चिपसेट मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस डिवाइस के अंदर अच्छी खासी है। और इस डिवाइस का अंतुतु स्कोर समथिंग, यहाँ पर एक और बंदा आया, ये भी नॉक फिनिश। वैसे भाई लोग यहाँ से आगे देखिए आप, यहाँ पर एक बंदे ने किल चोरी कर लिया मैंने। वैसे हाँ डिवाइस का अंतुतु स्कोर समथिंग 1.4 मिलियन, मतलब
14 लाख के आसपास आता है। और इस डिवाइस का चिपसेट 4nm पावर एफिशिएंट प्रोसेस के आधार पर बनाया गया है, जिसके चलते डिवाइस की बैटरी BGMI के अंदर अच्छी खासी चल जाती है। और गेमिंग के लिए डिवाइस के अंदर वाइल्ड बूस्ट 2.0 का गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन मिलता है। यहाँ से आगे एक बार बमबाजी करता हूँ, यहाँ पर ये एक बंदा ब्लास्ट, और यहाँ से आगे बंदे की पेटी बनाने के लिए बंदे के ऊपर चिमनी फेंका। जस्ट बाजू में एक और बंदा नॉक, जिसको हमारे भाई ने दबोचे। तो यहाँ से आगे जाकर बाजू वाले बंदे की पेटी बनाता हूँ। वैसे यहाँ डिवाइस के अंदर आपको LPDDR5X रैम, उसके साथ स्टोरेज 4.0 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि भाई साहब जिसकी बराबरी इस प्राइस रेंज पर भाई साहब कोई भी डिवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिवाइस 25,000 रुपीस के आसपास आता है। गजब सीन। तो ये था इस मैच का नसीला बंदा, ये बंदा नॉक फिनिश। यहाँ से आगे चलते अपन कोचिंग की। जी हाँ, मैं आ गया नीले वाले घर पर, यहाँ से ऊपर आया क्योंकि कोचिंग की पर आगे फ्लेयर गन चली हुई है। मेरे ख्याल से शॉप के आसपास बंदे हो सकते हैं। ये रहा एक बोट, ये बोट फिनिश। स्क्वाड हाउस के पास एक और बंदा, और यहाँ से आगे जस्ट अ सेकेंड बाद ये बंदा वहां से निकलकर पीछे भाग गया। गजब तीर। गन मशीन बाज जो कि 3 स्टोरी के नीचे खड़े होकर स्प्रेबाजी कर रहा था। तो इस बंदे के ऊपर भाई साहब बमबाजी करता हूँ। यहाँ से आगे यहाँ पर गजब तीर। एक भाई नॉक, और ये गन मशीन बाज मेरे हिसाब किताब से अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है। और यहाँ पर स्पेशल दुख, इस हवा हवाई का गलत इस्तेमाल हो गया। ये बंदा नीचे खड़ा हुआ है शायद, और ये बंदा पीछे चला गया। इसके ऊपर करता हूँ बमबाजी। ये देखिए बेटे बेटी पुष्पा, ये पुष्पा नॉक। यहाँ से आगे ये पुष्पा फिनिश। और ये था दूसरा गन मशीन बाज। तो ये गन मशीन बाज नॉक फिनिश, इस बंदे की पेटी बनाकर मैं आगे आया। ये देखिए स्कूटर बाज। अरे गजब सीन, ये गाड़ी रुकती क्यों नहीं है, रिपट गई थी। जी हाँ, ये वाली गाड़ी रिपट गई थी। ये स्कूटर बाज मेरे हिसाब किताब से जरूर पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। और ये रहा जस्ट सामने वाले पत्थर पर, जो कि स्प्रेबाजी कर रहा था, लेकिन भाई साहब बंदा बच गया। यहाँ से आगे बंदे के ऊपर चिमनी फेंका। ये स्कूटर बाज सीधे पेटी में तब्दील। वैसे भाई लोग, नियो 7 की तुलना पर पोको X6 प्रो ज्यादा स्टेबल FPS प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए ये बंदा टावर के ऊपर चहक रहा था कैंपिंग करने के लिए, बंदा फिनिश। वैसे भाई लोग, इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मैं आया अपार्टमेंट के ऊपर, जी हाँ रिच पर। ये नीचे देखिए एक बंदा नॉक पड़ा हुआ था, बंदा फिनिश। इस बंदे की पेटी बनाकर मैं ढूंढ रहा था दूसरा बंदा, लेकिन भाई साहब नीचे एक और बंदा आया। ये बंदा नॉक फिनिश। वैसे भाई लोग, आईक्यू नियो 7 इससे 40% ज्यादा परफॉर्मेंस आपको पोको X6 प्रो के अंदर मिलती है, जो कि डिस्प्ले के ऊपर आपको नजर आ गई होगी। बाजू वाली रिच पर आया, दो बंदे नजर आए थे, ये दोनों डाउन, जिसमें से की पेटी, दूसरा भी बंदा फिनिश। वैसे भाई लोग, इन दोनों ही डिवाइसों में से मैं आपको पोको X6 प्रो सजेस्ट करूंगा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।